क्या आप भी अपने GTA San Andreas Android के गेम प्ले को और भी ज्यादा मजेदार बनाना चाहते हैं? सोचिए एक ऐसा मेन्यू जो आपके गेम के अंदर ही पावरफुल मोड्स और चिट्स को एक्सेस कर सकते हो आप। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लो मेन्यू के बारे में। अब ये क्लो मेन्यू की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि एंड्रॉइड 12 से लेकर के एंड्रॉइड 15 तक के जितने भी यूजर्स है ना, उन सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने फोन के अंदर ना क्लो मेन्यू को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं अपने GTA San Andreas के अंदर। नाउ मेरे चैनल के पर इतनी सारी GTA San Andreas से रिलेटेड वीडियोस भर रखी है, मैंने आज तक एक भी क्लो मेन्यू के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है कि हाउ टू इंस्टॉल क्लो मेन्यू। तो इसी चीज को सोच के आज की ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें क्लो मेन्यू लेके आया हूँ फ्रॉम एंड्रॉइड वर्जन 7 टू एंड्रॉइड वर्जन 15, जो कि जितने भी फोन है उन सभी के लिए ये जो एप्लीकेबल होने वाला है। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमारे फोन में एंड्रॉइड 14 है, एंड्रॉइड 15 है और हम क्लो मेन्यू को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, पूरा वीडियो आप लोगों के लिए ये देखते रहिए, पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा। उससे पहले मैं ये चीज बता दूं, जो लोग ये इशू फेस कर रहे हैं कि वो अपने एंड्रॉइड एंड डेटा के अंदर फाइल्स को जो है पेस्ट नहीं कर पा रहे, एरर आ जा रहा है, तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी और वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपका एंड्रॉइड 12 से अगर आपका एंड्रॉइड 15 का वर्जन का फोन है तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे, जो कि एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन बताती है लेकिन काफी लोग उसके बारे में नहीं जानते। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके जल्दी से आप देख सकते हैं। नाउ गाइस, अगर आप वो लोग हो जो अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर क्लो मेन्यू को नहीं चला पा रहा है, या वो अगर एंड्रॉइड 14 का यूजर है या एंड्रॉइड 13 या 15 का यूजर है और उसको प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने फोन के अंदर क्लो मेन्यू को इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है। नाउ दिस वीडियो फॉर यू गाइस, आई एम गोइंग टू शो यू एंटायर ट्यूटोरियल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, हाउ यू कैन पेस्ट ऑल द फाइल, हाउ यू कैन रन योर मेन्यू, हाउ यू कैन ओपन योर क्लो मेन्यू इन योर गेम। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना ना भूले, क्योंकि इस वीडियो में स्पेशल टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ जो आपकी गेम प्ले को और भी ज्यादा एनहेंस करेगा। तो मुझे याद है जब मैंने पहली बार क्लो मेन्यू को इंस्टॉल किया था, जब मेरी गेम में ना एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही हो गया था, अलग ही लेवल पे पहुंच गया था। पहले मैंने सोचा था कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड बहुत होगा, लेकिन जब मैंने स्टेप्स को फॉलो किया और सभी चीजों को अच्छे से फॉलो किया तो सब इतना इजी लगा। आज मैं वही सिंपलिसिटी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप सिंपली जो इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले दो फाइल आपको मिलती है, APK की एंड आपको मिलेगी दूसरी फाइल। APK की फाइल को एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे और जो हमें यहाँ पे फोल्डर मिलेगा, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, GTA San Andreas APK के अंदर जाएंगे। नाउ यहाँ पे जितने भी ये फोल्डर देख रहे हो, ये सारे आपके एंड्रॉइड वर्जन के अकॉर्डिंग आपकी APK है। तो मेरा वर्जन एंड्रॉइड 13 है, तो मैं एंड्रॉइड 13 पे जाके एंड्रॉइड 13 वाली एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा और पुरानी एप्लीकेशन को आप डिलीट कर दीजिएगा अगर आपके इंस्टॉल है ऑलरेडी, उसके बाद में ही इंस्टॉल करिएगा, उसके बाद में इंस्टॉल होगा। ठीक है, मैं डन करता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स है, ठीक है, इन स्क्रिप्ट्स को हम सिंपली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे com.rockstargames.gtsc के फोल्डर को कट करके डिवाइस स्टोरेज में जाके एंड्रॉइड डेटा के अंदर नॉर्मली हम पेस्ट कर देंगे जैसा हम करते हैं। नाउ दैट्स इट, हम इसके बाद में अपना गेम ओपन करेंगे एंड गेम ओपन करने के बाद में यू विल सी स्टार्ट गेम करते ही हमारे सामने जो नॉर्मल लोडिंग स्क्रीन आती है वो आएगी एंड मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से क्लो मेन्यू को ओपन करेंगे अपने गेम के अंदर। नाउ जैसे गेम ओपन हो जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोड पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जब रोड्स पे मैं आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है ऊपर से नीचे, देन आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चिट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये सारे चिट्स को आप लेफ्ट राइट अप डाउन की वजह से जो है कंट्रोल कर सकते हो अपने गेम के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप देख पा ही रहे हो कि मैं यहाँ पे जो है फॉल का जो चिट है वो अप्लाई करता हूँ और मैं यहाँ से गिर रहा होता हूँ, मैं फ्लाई का यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उड़ रहा होता हूँ। तो ये चिट्स आप जो है ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके जो है अपने गेम के अंदर क्लो मेन्यू को ला सकते हो और उसके साथ में आप क्लो मेन्यू को अपने फ़ोन के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हो गाइस। जी हाँ, हम इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे बहुत सारी क्लो स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे ट्राई भी करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल जो चिट्स है वो हो सकती है। तो उसमें से ये है हमारा सेल्फी वाला चिट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और गेम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। नाउ सेलेक्टेड प्लेयर्स में हम यहाँ पे अपने प्लेयर की स्किन चेंज कर सकते हैं, जो भी
आप स्किन चेंज करना चाहो वो आप स्किन चेंज कर सकते हो, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो मैं यहाँ पे स्किन चेंज कर रहा हूँ। प्लस आप उस स्किन का जो एक क्लोन है वो भी यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो अपने गेम के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो है कैरेक्टर्स को भी चेंज कर सकता हूँ। नाउ सेट टाइम में हम जाकर अपना टाइम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गेम का टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगा मॉर्निंग टू नाइट अगर आप करना चाहते हो। नाउ यहाँ पे मिशंस में जाके हम मिशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मिशंस आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करके एंड यू कैन प्ले। नाउ व्हीकल में जाकर के यू कैन सी यू कैन इम्पोर्ट एनी व्हीकल फ्रॉम द गेम यू वॉन्ट, राइट। जैसे कि मैं देख ही आप पा रहे हो कि मैं यहाँ पे व्हीकल भी है इम्पोर्ट कर पा रहा हूँ अपने गेम के अंदर विद द हेल्प ऑफ ग्लो मेन्यू। वॉक ऑन वाटर भी हमने कर दिया, यानी कि हमारी जो कार है वो पानी के अंदर भी जाएगी। और व्हीकल मॉडिफिकेशन में जाकर के मैं आपको दिखाता हूँ, व्हीकल मॉडिफिकेशन में हमें नाइट्रो देखने के लिए मिलता है, तो मैं नाइट्रो भी अनेबल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे गाड़ी का कलर भी चेंज कर सकता हूँ यही से, जो कि यार मुझे गैराज के अंदर ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता था, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास ग्लो मेन्यू है तो हम उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमने कार के अंदर और बहुत सारी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, जैसे कि आप भी देख ही पा रहे हो कि मैं अपनी कार के अंदर कितने सारे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ अपनी ग्लो मेन्यू की हेल्प से। जस्ट लाइक दैट गाइज आप भी कर सकते हो जस्ट इंस्टॉलिंग दिस ग्लो मॉड पैक, जैसे कि आपको मैंने पूरा ट्यूटोरियल दिखाया, बहुत ही ज़्यादा इजी सिंपल सा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसा कि आप पहले इंस्टॉल करते थे उसी तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, लेकिन अगर आपके एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर एक प्रॉब्लम आता है जैसा मैंने पहले बताया, तो प्लीज़ रेफर दिस वीडियो, गो एंड वॉच दिस वीडियो। आई होप यू गाइज, अभी जाने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि हमारे चैनल पर JDF4 का एक बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स मॉड पैक हमने अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है वो आप जाकर के देख सकते हो, लिंक भी उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल ओपन करके आप मेरी पुरानी GTA San Andreas की वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें मैं आगे जाके और भी रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूँ। नाउ आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन फॉर द फ्यूचर वीडियोस। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच अगेन एंड नीचे ने सोनी साइनिंग आउट।